तरीकों को बदल लिया है। घास के खुले मैदानों में ये अकेले शिकार करना पसंद करते हैं और शिकार का पीछा करने के लिए अपनी टोली से अलग हो जाते हैं। शिकारी एकदम थम जाता है। शिकार सावधान न हो इसके लिए सन्नाटे का होना बहुत जरूरी है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कभी तो सिर्फ कुछ ही सेकंड छुपकर दबे पांव चलना पड़ता है और कभी एक घंटा तक लग जाता है। शुक्र है कि जेलाडा बबून इस शिकारी की आहार सूची में नहीं है। इसकी नजरें एक बहुत ही छोटे शिकार पर टिकी हुई है। कामयाबी। इथियोपियाई भेड़िये चूहे पकड़ने में माहिर होते हैं। पठार पर रहने वाली सभी प्रजातियों में से घास के छोटे चूहों का शिकार सबसे ज्यादा होता है। भेड़ियों का 95% आहार चूहे ही होते हैं। जेलाडा बबूनों की तरह ये असाधारण भेड़िये भी इथियोपिया की खासियत हैं।